हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आप सोच रहे होंगे कि होली के जस्ट बाद में मैम को चैन नहीं आ रहा है, मैम तब भी क्लास ले रही है। तो भाई पहले बता देते हैं, ये जो क्लास है ये आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड आई थी कि मैम मंथली करेंट अफेयर्स जो हैं वो प्लीज़ प्रोवाइड करा दिया जाए। तो होली के बाद मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज भी आपको ऑफ ही मिलने वाला है, मतलब आज भी करेंट अफेयर्स का क्लास नहीं होगा। बट ये बता देते हैं, लाइव क्लास जो होगा वो 13th of March को आपको सबसे पहला लाइव क्लास देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच ली हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करके लेके आनी है, क्योंकि लोगों का काम है कॉपी करना, लोगों ने कॉपी तो कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। SSC का जो CHSL का एग्ज़ाम है वो लाइंड अप हो गया है, यानी कि 16 मार्च से ये पेपर शुरू होने वाला है ना। तो इससे पहले अगर मंथली करंट अफेयर्स मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये वाला जो सेशन है ये रहेगा फरवरी 2020 का पूरा कंपाइलेशन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जितने भी सवाल बन सकते थे सारे मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंड अप कर दिए हैं। आपको क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन को देखना है और उसको आंसर करते हुए चलना है, क्योंकि होली का हैंगओवर तो मुझे पता है अभी तक बरकरार होगा, बट यहाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो अब जल्दी से यहाँ पे क्या करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, SSC का जो बैचेज हैं वो तो लाइंड अप हुए ही थे, लेकिन इसके अलावा SSC में भी जो डिटेल टॉपिक वाइज चीज़ें होंगी वो भी शुरू होने वाली हैं अन अकेडमी पे। इसके अलावा रेलवे में भी जो करंट अफेयर्स है वो भी हम पढ़ा रहे हैं, एंड नेक्स्ट SBI, LIC और RBI, इनके जो मेंस के एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी यहाँ पे जो क्लासेस हैं अन अकेडमी पे हम ले रहे हैं। आप एक बार जाके उसको चेक ज़रूर कर लेना, वहाँ पे आपको जो कोड यूज़ करना है दैट कोड विल बी वाईफाई जंप। इसके बारे में सेशन के बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से सवाल पढ़ते जाइएगा और आंसर करते जाइएगा, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़ेगा क्योंकि ये सब तो तुम लोग को पता होना चाहिए। पहला सवाल, भारत पर्व 2020 हाल ही में किस जगह पर इसकी शुरुआत करी गई थी, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखो, MP हो नहीं सकता, गुजरात हो नहीं सकता, UP हो नहीं सकता, नागालैंड हो नहीं सकता, आंसर विल बी न्यू दिल्ली। सिंपल सा आंसर बन जाएगा, यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर इसको शुरू किया गया। अगले सवाल पे चलें, भाई देखो फटाफट से चलेंगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं आने वाला क्योंकि एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे बहुत बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल क्या है, 22nd मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोन काउंसिल, इसकी जो 22nd नंबर की बैठक हुई है जिसको हेड किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया था, कर्नाटका, केरला, ओडिशा, आसाम या फिर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यार सेशन को शेयर ज़रूर से कर देना, मैं कहना भूल गई हूँ, लेकिन जल्दी से लिंक को कॉपी करके इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा नहीं तो चीज़ें आपके लिए इजी नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल यहाँ पे क्या है, मार्जिन सेरेक वॉज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो हाल ही में इनके द्वारा जो है वो रिजिग्नेशन दिया गया है, अपना इस्तीफा सौंपा गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, आंसर विल बी स्लोवेनिया के PM के रूप में ये काम कर रहे थे। स्पेशली आपको याद रखना है यहाँ पे ब्राज़ील, बोल्सोनेरो, ये नाम याद रख लेना, बी फॉर ब्राज़ील, बी फॉर बोल्सोनेरो, जो इस बार 26 जनवरी को एज अ चीफ गेस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिले थे। ऑस्ट्रेलिया पूछा जाएगा तो यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन का नाम याद रख लीजिएगा, वो है यहाँ का PM। और फिनलैंड के पार्ट से आपको पता होना चाहिए सना जी का नाम, क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट PM बनी है फिनलैंड की। फिनलैंड की कैपिटल होगी हेलसिंकी। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लास्ट में मुझे ये भी बताना है कि कितने ऐसे सवाल हैं जो करेक्ट किए हैं, कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि कितना तुम लोग सही करते हो, कितना तुम लोग को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। ध्यान रखना, जब भी इंडियन लिखकर आएगा तो इन बैंक्स का जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्मली आपको चेन्नई के अंदर ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे सुनील मेहता जी रहेंगे या इसके अलावा कोई और, तो आंसर बनेगा यहाँ पे सुनील मेहता जी। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पे एक नाम आपको नज़र आ रहा होगा, वेल कोई नहीं, इसके बारे में भी एक सवाल शायद बना हुआ है, हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवन पंचायत 3.0 हाल ही में इसको शुरू किया गया था। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर विल बी इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी लेटेस्ट वाला जो है वो GSAT को लॉन्च करने की बात बोली गई है, कब, 5 मार्च को। तो 5 मार्च की बात तो अलग हो जाएगी, ये तो अलग पार्ट हो जाएगा। तो GSAT बस आपको याद रखना है, ये भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट, गगनयान के लिए जो यहाँ पे टारगेट है दैट इज 2022 गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, फरवरी का अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है, द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है इंडिया की सबसे पहली, वो किस जगह पर लॉन्च करी गई, तो वो कोलकाता के अंदर लॉन्च करी गई है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर है, तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है, तो सिंपली आंसर विल बी हुगली रिवर रहेगा इसका राइट आंसर।
जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना नाम से जाना जाता है। तीस्ता रिवर सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पर पढ़ो फटाफट से यार, आंसर करते जाइएगा और लिंक को शेयर करते जाना प्लीज़, मुझे कहना ना पड़े इसको, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, इंडियन रेलवे कमीशन कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज लोकेटेड इन। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में ये जो यहाँ पर एक इंडियन रेलवे के द्वारा प्लांट खोला गया है जो क्या करेगा, वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर इसको ओपन किया गया है? आंसर विल बी भुवनेश्वर सॉरी ओडिशा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क अफ्रीकन चीता फ्रॉम यहाँ पे नामीबिया टू बी रिलोकेटेड। सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नामीबिया से जो अभी हाल ही में जो टाइगर्स जो चीता हैं उनको रिलोकेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया के एमपी में इसको रिलोकेट किया जाएगा। कई बार हम लोग इस नाम के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं और आंसर यहाँ पे नौरा दे, तो भाई ये दोनों जो जगह है ना आपस में जुड़ी हुई हैं, और अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पहले कहाँ पर रिलोकेट किया गया था तो कोनू में, और अभी लेटेस्ट वाला कहाँ पर रिलोकेट किया जा रहा है तो ये रहेगा नौरा दे। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है दैट इज इन तमिलनाडु, कान्हा एमपी, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, घड़ी माता ओरिसा। नेक्स्ट, अच्छा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ जाइएगा कि भाई ये पूरा मंथली कंपाइलेशन है, तो मंथली कंपाइलेशन में आपका टेस्ट होता है, मेरा टेस्ट नहीं होता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। अगला सवाल यहाँ पे, आर प्रगनाथा ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, आंसर विल बी चेस से इनका नाम जुड़ा हुआ है। एक नाम और याद रख लेना, जब भी यहाँ पे प्लेयर्स की बात आ रही है तो टेनिस में मारिया शारापोवा का नाम याद रखिएगा क्योंकि वो अब यहाँ से रिटायरमेंट लेने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की एक सूची जारी करी गई है। सवाल में सिंपली पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो नंबर वन पे देखने को मिली, आंसर विल बी चंदौली। नेक्स्ट, कुछ आ रहे हैं सवाल कि नहीं आ रहे हैं प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताते रहना, क्योंकि जब ये वीडियो प्ले होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देख नहीं रहे होंगे, डेफिनेटली आई विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो तो हम देख ही रहे होंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू US, US के लिए अभी हाल ही में भारत की तरफ से किसको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे तरनजीत सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला नाम भी ध्यान रखना, इनको अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश के अंदर, और ये अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए अपॉइंट करी गई थी, अब आपके लिए एक नया नाम यहाँ से निकल कर आएगा जिनके बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। पवन कपूर जी UAE के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखो, नाम नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो इसको एक बार से रिवाइज से ज़रूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। अगला है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज़ अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, तो 6 मेंबर्स रहेंगे। यहाँ पे अपॉइंट किसको किया गया, जनक राज जी को नियुक्त किया गया है, और इनकी बात करो तो भाई इनको एज अ डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। जब हम डिप्टी गवर्नर बोलेंगे तो टोटल यहाँ पे 4 होते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का रखा गया है। शक्तिकांत दास जी के नाम पे अगर सवाल बनेगा तो उनको अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला है, बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक के अंदर। नेक्स्ट देखो, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल से पहले यहाँ पे आपको 6 के 6 नाम नज़र आ रहे हैं, ऑल दो सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे याद रख लेना जिनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बाला देवी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि इंडिया की तरफ से कोई विमेन ऐसी हैं जो किसी एक क्लब के लिए खेलने जा रही हैं। क्लब आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या रहेगा, फुटबॉल से इनका नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, स्टेट का नाम आप बताएंगे। चलो ये बताओ यार, ये तुम लोग बताओगे ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बताओ जल्दी से आंसर करो। तेलंगाना, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। सिर्फ 5 सेकंड का समय लेना, इट्स जस्ट लाइक अ रिवीजन, और ये कंपटीशन है आपके लिए खुद से कि पूरे फेब में आप लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं क्या वो आपको आती हैं या फिर नहीं आती हैं, तो आंसर यहाँ से रहेगा तेलंगाना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक और फेस्टिवल था इसका दूसरा नाम हम बताएंगे,
फ्लावर फेस्टिवल, जरा इसका जो दूसरा वाला नाम है जो 26 जनवरी को दिखाया गया था जब पूरी वो टेबले चली थी उस पर, तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। बिहू सेलिब्रेट होता है आसाम के अंदर साल में 3 बार, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मणिपुर के अंदर शंघाई फेस्टिवल, और इसके साथ में आपको मिलेगा इन केस पूछा जाता है तो ऑरेंज फेस्टिवल। अगला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर एज सच आपको फ्लेमिंगो फेस्टिवल देखने को मिलेगा, कहाँ पर, पुलिकट लेक के ऊपर। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। कलाकार मंडूदुरई टाइगर रिजर्व, ये अभी हाल ही में चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे एक सेंसस ऑर्गेनाइज किया गया था। सवाल में पूछा जा रहा है ये कौन से राज्य में है, आंसर बनेगा यहाँ पे तमिलनाडु। मुकुर्दी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, ये सारे के सारे राष्ट्र उद्यान कहाँ पर हैं, तमिलनाडु के अंदर हैं। इसके अलावा अगर आपसे केरला पूछा जाएगा तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला के अंदर। अगला है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क रहेगा। मणिपुर पूछा जाएगा तो यहाँ पे केबुल लामजुआ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट बनेगा। कर्नाटका के पार्ट से नागरहोल नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, हु हैज़ बीन गिवन दी पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म। तो गौरी लंकेश अवार्ड जो है ये अभी हाल ही में दिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रख लीजिएगा ये जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। हाल ही में इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो यूसुफ जमील जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। आधे लोग तो जो साथ में जुड़ते जा रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आज करंट अफेयर्स क्यों नहीं हो रहा है। करंट अफेयर्स का जो लाइव क्लास शुरू हो जाएगा वो 13th of March से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मुझे भी चाहिए था ब्रेक। तो ऑब्वियसली बात है यार, 2 दिन की छुट्टी तो मेरे लिए भी बनती है। तो 13th March को सुबह 7 बजे आप लोगों के साथ लाइव सेशन में हम कनेक्ट होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर, सुबह 7 बजे का टाइम भूलिएगा मत। हाँ, इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे 36 इससे पहले रैंक थी। और इंडिया ने अभी हाल ही में आईपी के लिए यूएसए के साथ टाइप भी किया हुआ है, तो उसको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। यहाँ पे आपको ध्यान आ रहा होगा HDI इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 112 है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे आपके लिए इसको अरेंज भी कर दिया है ताकि आप एक बार इसको रिवाइज भी कर लेना, तो प्लीज़ डू रिवाइज दिस, ठीक है। ओके अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ज़रा इसके लिए अभी हाल ही में अगर आपको याद आ रहा हो तो एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है, है ना। वेब पोर्टल का नाम आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, वेब पोर्टल का नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है और कई बार हम इसके बारे में आपसे बात भी कर चुके हैं। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हुए थे प्रधानमंत्री कहाँ के, श्रीलंका के, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम रहेगा महिंदा राजपक्षे। ये हो जाएंगे फिनलैंड की, ब्राज़ील के हो जाएंगे। इनको अभी हाल ही में ग्रीस के अंदर अपॉइंट किया गया है और ये सबसे पहली वीमेन है जिनको ग्रीस के अंदर अपॉइंट किया गया है। एथेंस रहेगी ग्रीस की यहाँ पे कैपिटल। कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा तो कॉन्टिनेंट विल बी यूरोप, राइट। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, हाउ मेनी MOUs, यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूछे जा रहे हैं कि रशिया के साथ कितने करे गए हैं डिफेंस एक्सपो 2020 में। तो सबसे पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए, डिफेंस एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी लखनऊ के अंदर, जहाँ पे लखनऊ डिक्लेरेशन वर्ल्ड निकल कर आया था। अब यहाँ पे जो डिफेंस एक्सपो 2020 हुई है इसमें रशिया के साथ टोटल कितने एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, तो आंसर विल बी 11। लेकिन अगर लखनऊ डिक्लेरेशन पूछा जाता है तो ये आपका इंडिया के साथ अफ्रीकन नेशंस का है, रशिया का नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है वर्धवान पोर्ट, ये जो बंदरगाह है ये कौन से स्टेट में लोकेट किया जाएगा या फिर कहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। सिंपल आंसर बनेगा, आंसर विल बी महाराष्ट्र। MP जो है यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कोस्टल स्टेट। कर्नाटका के पार्ट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी लैंडलॉक्ड है, ये भी कहीं से भी आपका कोस्ट के साथ टच नहीं होता और ये भी कोस्ट के साथ टच नहीं होता। तो ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करना सीख लिया तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। देखो 70+ क्वेश्चन है, 70 से भी ज़्यादा सवाल हैं, आगे वन लाइनर भी मिलने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, WHO ने अभी हाल ही में कोविड के लिए यानी कि कोरोना वायरस 19 के लिए कितना इनमें से जो अमाउंट है वो डोनेट करने की बात बोली है, तो USD 675 सेंस फ्रांसिस्को के द्वारा वहाँ पे अभी स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। नेक्स्ट इसका आंसर करो, अच्छा
मैत्री एक्सरसाइज एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, इनके जो टाइम शेड्यूल्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, इनके नंबर ऑफ डेज बढ़ाए गए हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रेनें हैं ये कौन कौन से कंट्रीज के बीच में चलती हैं। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और इंडिया। इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज है दैट इज संप्रीति एक्सरसाइज, इंडिया चाइना हैंड इन हैंड, इंडिया श्रीलंका मैत्री एक्सरसाइज और स्लाइनेस एक्सरसाइज, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एसच कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, इंडिया और म्यांमार के बीच में आपको इम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट। देखो अयोध्या मुद्दे के ऊपर अभी हाल ही में एक ट्रस्ट बनाई गई है, सवाल में पूछा जा रहा है कि इस ट्रस्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो आपको आनी चाहिए, बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, हु इज अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का पहले तो हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, दैट इज इन बेंगलुरु। आंसर क्या बनेगा इसका, एलबी प्रभाकर जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हेन इज द वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट होता है 4th of February को। ऑल्दो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2nd of February जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड डे यहाँ पे इस दिन मनाया जाता है, जिसकी थीम वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज रहेगी। तो एक बार से देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसकी लिस्ट मैंने आगे प्रोवाइड करी है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मोहम्मद अलावी इनको अभी लेटेस्ट अपॉइंट किया गया है एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री, यानी कि कौन से देश में इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर बनेगा यहाँ पे इराक, कैपिटल हो जाएगी इसकी बगदाद। मलेशिया के जो वहाँ पे पीएम है, हाल ही में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, अपना रिज़ाइन दिया हुआ है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सोच रहे होगे आज भी मैम को चैन नहीं है, आज भी वो होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रही हैं, या देखो अब होली तो ख़त्म हो गई लेकिन एग्ज़ाम का जो फेस्टिवल है वो शुरू होने जा रहा है, एग्ज़ाम के फेस्टिवल में अगर रिविजन नहीं किया तो आगे आप समझ ही सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है। तो यहाँ पे पीएम कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, उनका नाम आप मुझे बताएंगे। इंडोनेशिया कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे जकार्ता फिलहाल तो, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर्स विडोडो जी, जिनका दूसरा टर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मालदीव्स के लिए इब्राहिम सोले जी रहेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। पैरा ओलंपिक कमेटी जो है उसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, तो दीपा मलिक जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे कुछ डेटा मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है, ये वो नाम है जो अभी फेब 2020 में चर्चा में रहे हैं, तो ये लिस्ट एक बार से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सोफिया कैनन, ऑस्ट्रेलियन ओपन इनके द्वारा जीता गया है। दूसरा नाम है नोवाक का, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस वाला जो है वो जीता गया है। कंट्री इनकी हो जाएगी सर्बिया एंड शी इज़ फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट देखो अगला सवाल है यहाँ पे, चंद्रकांत माली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। इनका जो नाम है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो इनका नाम जुड़ा हुआ है किससे, वेट लिफ्टिंग से इनका नाम जुड़ा है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, वेट लिफ्टिंग से मुझे याद आया कि इंडिया के अंदर जो नेशनल चैम्पियनशिप अभी चल रही है ना रेसलिंग वाली, तो प्लीज़ उसको ध्यान रख लेना, क्योंकि वहाँ पे साक्षी मलिक का नाम आ रहा है, विनीश फोगाट का नाम आ रहा है, तो ये सारे नाम आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल दो ये आपको बता दें, ये जो सेशन मिल रहा है ये फेब का कंपाइलेशन है, और इसका जो वीकली वाला जो आपको मिलता है ना वो वैसे ही मिलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो ऐसा मत समझना कि उसमें चेंजेस हुए हैं। अगला सवाल, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी, इस अवार्ड से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है एन एस धर्म शाक्तू जी को। नेक्स्ट अगला सवाल है यहाँ पे, आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है वो अभी हाल ही में कितना बताया गया, तो ध्यान रखो भाई इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, रेपो रेट उतना ही मेंटेन है जितना पहले था, एज यूजुअल कुछ भी बदला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच कंपनी इज नेम्ड एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयू। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पीएसयूज़ के पार्ट पे देखा जाए तो मोस्ट प्रॉफिटेबल यानी कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने प्रॉफिट कमाया है, तो दैट इज़ ONGC। देखो BSNL तो आपको पता ही है कि किस कगार पे है, NTPC के बारे में कोई बात करेंगे नहीं। इसके अलावा एयर इंडिया के अंदर 100% यहाँ पे आप कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट कर ही दिया गया है। भेल के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट की बात बोली गई थी लेकिन फिलहाल इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उच्च मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट में डेवलप किया जा रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको डेवलप किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को यहाँ पे बल्कि आप कह सकते हैं कि उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और लद्दाख के लिए जिस बैंक को अपॉइंट किया गया है दैट इज़ SBI बैंक। दोनों भूलना नहीं, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उच्च
प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर के ऊपर होगा, तो उज नदी के ऊपर होगा, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, रावी नदी की ये सहायक नदी है। अगले सवाल पे आ जाओ, विच कंट्री स्क्रैप्ड 20-year-old सिक्योरिटी पैक्ट विद US, USA के साथ अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने 20 साल पुराने सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को, या फिर आप कह सकते हैं कि मेमोरेंडम्स को यहाँ पे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, दैट इज फिलीपींस। दूसरी चीज़, कोविड की वजह से चाइना के बाहर जो सबसे पहली डेथ हुई है वो भी फिलीपींस के अंदर हुई है, फिलीपींस की कैपिटल हो जाएगी मनीला, इंपॉर्टेंट रहेगा। मनीला के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिलेगा किस चीज़ का, ADB का, जिसमें टोटल 68 कंट्रीज हैं, और नियोई नाम की जो कंट्री है वो लेटेस्ट वाली है, और असाकावा जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखो, इसका आंसर करो, आंसर क्या बनेगा इसका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट एक्टर, सॉरी हाँ बेस्ट एक्टर इन द ऑस्कर, ऑस्कर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको गया है, तो सिंपल यहाँ पे आंसर बनेगा जैक्विन फिनिक्स को, जोकर मूवी के लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, हाँ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा अगले वाले सवाल पे आ जाओ, तो अगला वाला, अच्छा ये बता दें पैरासाइट मूवी को ऑस्कर के लिए अवार्ड मिला है, आई डोंट नो कि मैंने इसके ऊपर सवाल यहाँ पे फ्रेम किया है कि नहीं, बट फिर भी बता देते हैं, पैरासाइट मूवी ऑस्कर के लिए अवार्ड मिला है, साउथ कोरिया की मूवी है, कोरियन लैंग्वेज में है, और पहली नॉन इंग्लिश मूवी है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हिल स्टेशन विल होस्ट द नेशनल विंटर गेम्स, मतलब ये तो मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा, जिसकी शुरुआत हो गई है 7th of March से, आंसर यहाँ पे क्या बनेगा भाई, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे गुलमर्ग। अब इसके अलावा देखो और सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा ये कहाँ पे हुए, तो गुवाहाटी के अंदर, इसके नेक्स्ट पूछा जाएगा खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार ओडिशा के अंदर, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा विंटर खेलो गेम्स ये कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, तीनों आपको पता होने चाहिए कि किस किस जगह पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला देखो यहाँ पे सवाल क्या है, नेशनल विमेन डे मार्क्स एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी, सवाल में पूछा जा रहा है कि नेशनल विमेंस डे जो सेलिब्रेट होता है वो इनमें से किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सरोजनी नायडू जी रहेगा इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में मुझे जरा डे भी बता देना, डेट भी बता दीजिएगा कि डेट क्या होगी, क्योंकि मैंने तो पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है, लेकिन यहाँ बीच बीच में आप मुझे बताते जाओ कि डेट कौन सी रहेगी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, सवाल पढ़ो आंसर करो, पार्ट नहीं है पूछा है मैंने, जल्दी से आंसर करो, या रिविजन के पार्ट पे बहुत तेज़ी से इसको आंसर करते हुए चला करो, क्योंकि इतना समय थोड़ी ना होता है कि हर एक चीज़ के लिए हम लोग इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। नन ऑफ दीज होगा क्या, आंसर विल बी जापान। अच्छा ज़रा यहीं पे आपको बता देते हैं, पहले ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं, बिम्स्टेक वाला, बिम्स्टेक के अंदर अभी अगर इसकी एक्सरसाइज पूछी जाती है तो वो पूरी के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी, और ड्रग रिलेटेड जो एक बैठक हुई थी वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित करी गई थी। बिम्स्टेक में टोटल आपको 7 देश देखने को मिलते हैं, और इन 7 में आपको इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो भी इसका पार्ट है, भूटान नेपाल भी इसका पार्ट है, और इसके साथ में थाईलैंड भी इसका हिस्सा है, और म्यांमार तो है, तो ज़रा इनको ध्यान रखिएगा, टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, कौन से ऐसी राज्य सरकार हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में प्यार का पौधा नाम का जो कैंपेन है उसकी शुरुआत करी गई है, तो आंसर विल बी बिहार के अंदर इसको शुरू किया गया है, ऑल दो कर्नाटका केरला आंध्र मणिपुर के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन्स नहीं है, तो इनके बारे में अभी हम लोग आज सच कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, हाँ ये क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज अ बेस्ट इमर्जिंग फीमेल प्लेयर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा अभी हाल ही में इमर्जिंग फीमेल प्लेयर किसको अपॉइंट किया गया है या फिर किसको यहाँ पे चुना गया है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे लेरम सीएमई, सवाल आपके लिए स्टेट का नाम, क्योंकि देखो ये तो हम आंसर करते जा रहे हैं, अब बीच बीच में सवाल जो मैंने आपको सेशन में पढ़ाए थे, अब ज़रा ये तो पता चले तुम लोगों ने सेशन को ध्यान से सुना था कि नहीं सुना था। अच्छा जो लोग बाद में जुड़ते जा रहे होंगे उनको भी बता दें भाई, लाइव सेशन जो है वो 13 तारीख को आएगा, 13 तारीख को सुबह, ये है फिप का पूरा कंपाइलेशन। अगला सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, हाल ही में इसका जो नाम है वो बदला गया है, और इसके नाम को बदल के रखा गया है किसके नाम पे, अरुण जेटली जी के नाम पे, सुषमा स्वराज जी के नाम पे, हरियाणा का जो अंबाला का बस स्टॉप है उसका नाम चेंज किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी जा रही है यूपी के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, और इनका जो स्टैचू है वो अनवील किया गया है कहाँ पर, लखनऊ के अंदर। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जुड़े हुए काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं उनका नाम बदला गया है अंडमान निकोबार के अंदर, और स्वामी विवेकानंद जी का जो स्टैचू है वो इस्टैब्लिश किया गया है केरला के अंदर, सारे पॉइंट ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखो अगला सवाल, हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया. एयर इंडिया के अंदर अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर बनेगा यहाँ पे राजीव बंसल जी. देखो इनको अपॉइंट किया गया है COP26 के लिए जो कि स्कॉटलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज करी जाएगी. ऋषि सुनकर जी को अपॉइंट किया गया है, ये भी यूके के अंदर ही अपॉइंट किए गए हैं. इसके अलावा एनके सिंह जी के नाम की बात करोगे तो फाइनेंस कमीशन के अभी 15th वाली जो फाइनेंस कमीशन है ना उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? एनके सिंह जी को. और आरके पिचौरी जी जो हैं इनकी अभी रिसेंट में इनकी डेथ हुई है जिसकी वजह से इनका जो नाम है वो चर्चा में रहा था. तो आ जाते हैं अगले सवाल पे. काशी एक रूप अनेक, यार ये मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, जल्दी से बता दो इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो ये इनोग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. नरेंद्र मोदी जी की विजिट थी पूरे एक दिन की, संडे को ये वाराणसी आए हुए थे और इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी क्या है? वाराणसी है. सिंपली याद रख लीजिएगा कि इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. हर्षवर्धन जी के पास आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिलेगी यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय. प्रकाश जावड़ेकर जी के पास यहाँ पे एनवायरमेंट हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट. रमेश पोखरियाल जी के पास आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि HRD मिनिस्ट्री मिलेगी. प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास कल्चरल मिनिस्ट्री. नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट Amazon इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन एनवायरमेंटल डैमेज. एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है उसके लिए Amazon के द्वारा कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है? तो आंसर यहाँ पे रहेगा $10 billion का अमाउंट यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है. और अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई थी मोस्ट रिच पर्सन की, उस हरुण ग्लोबल जो एक इंडेक्स आया ना उसके अंदर अगर देखो तो नंबर वन पे आपको जेफ बेजोस ही मिल रहे हैं जो कि हेड हैं किसके? अमेज़ॉन के. और वो सबसे वन नंबर पे हैं और इसके अलावा अंबानी जी यानी कि अंबानी फैमिली जो है वो 9th नंबर पर है. अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है अशरफ घनी के बारे में. उम्मीद करते हैं ये आंसर का करेक्ट, आप सवाल का करेक्ट आंसर करोगे. कहाँ कि भाई दूसरे राष्ट्रपति मतलब दूसरा टर्म शुरू हुआ है प्रेसिडेंट के रूप में, तो आंसर विल बी अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा काबुल और डेलाराम जारंज. ये जो एक रोड डेवलप हो रही है इसको इंडिया ही डेवलप कर रहा है. इसके अलावा अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है जो संसद है उसको भी इंडिया डेवलप कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट चाबहार पोर्ट इंडिया को कनेक्ट करेगा ईरान से और ईरान को कनेक्ट करेगा अफगानिस्तान से, तो ये रूट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे. हु ऑर्गेनाइज द हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल 2030. हाई लेवल कॉन्फ्रेंस जो है रोड सेफ्टी के लिए वो भी हाल ही में किसके द्वारा, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने मिलकर इसको आयोजित किया? तो इसका आंसर बनेगा ANB यानी कि वर्ल्ड बैंक एंड WHO. सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया? स्वीडन के अंदर, स्वीडन की कैपिटल दैट इज स्टॉकहोम्स. और इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन का भी नाम दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ नेशनल कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज ऑर्गेनाइज. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी हाल ही में जो एक बैठक हुई उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उदयपुर के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है. ठीक है, अगला सवाल, विच इंडियन जेवलाइन थ्रोअर बैंड फॉर 4 years बाय नाडा. नाडा के द्वारा इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है और ये कौन से खेल से जुड़े हुए? तो जेवलाइन थ्रोअर से इनका नाम जो है वो जुड़ा है. आंसर बनेगा यहाँ पे अमित धैया. राइट, अगला, नाडा के अगर यहाँ पे एम्बेसडर पूछे जाएंगे तो सुनील शेट्टी जी रहेंगे. इसके अलावा वाडा का पार्ट से आपसे पूछा जा सकता है. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल के अंदर है. और मॉन्ट्रियल कहाँ है? दैट इज इन कनाडा. कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी हो जाएगी कैनेडियन डॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से. हु इज अपॉइंटेड एज दी हाई कमिश्नर टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया, अभी देखो एक नाम नजर आ रहा था ना लास्ट में, नाम था मैंने बोला था किस किसकी जगह पे आपको नया नाम मिलेगा. तो हाई कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो मिस्टर ओ फेरल को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट देखो, कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं पहले तो मुझे यही पूछना चाहिए. कमेंट करते जाना, देखो कमेंट आते जाने चाहिए, हर एक कमेंट हम पढ़ रहे होंगे. ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम छुट्टी पे हैं तो मैम कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार. छुट्टी पे जाने के बाद भी जो छुट्टी जैसा फील होता है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए और जब तक मेरे एफर्ट्स जो हैं वो डबल नहीं हो जाते. मेरे एफर्ट्स हमेशा ही डबल होते हैं, बल्कि मेरी कोशिश यही होती है कि हर एक बेस्ट चीज़ आप तक पहुँचे, वो भी टाइमली आप तक पहुँचे. इसीलिए एग्ज़ाम से पहले मैंने आपके लिए इन सारे जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड कर दिए. हाँ, इसका आंसर बताओ, इंडिया की जो GDP है मोडीज़ के द्वारा कितनी बताई गई है?
इंडिया के अंदर ऑल्दो काफ़ी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हैं, लेकिन मूडीज़ एक ऐसी है जो कि यूएसए की ज़रूर है, बट जितना प्रिडिक्ट करती है बड़ा सही प्रिडिक्शन इसका होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 5.4% ये बताया गया है। इससे पहले इन्होंने बताया था 6.6% रहेगा। नेक्स्ट पे चलो, अगला सवाल, आगे वन लाइनर भी हैं, बी प्रिपेयर्ड। विच ऑफ दी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रिसेंटली वॉन लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स फॉर द मूवमेंट कैटेगरी। मैंने आपको बताया था कि लॉरेंस वाला जो अवार्ड है ये हैमिल्टन को भी गया है, लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला वन से, और मेसी को गया है, मेसी फुटबॉल से। मूवमेंट वाली जो कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है वो किसको मिला है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को मिला है। 2011 में जो वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग, उसमें जो लास्ट मूवमेंट था कि पूरे स्टेडियम का राउंड लगाया था उनको कंधे पे बैठा के, उस मूवमेंट को यहाँ पे इस अवार्ड को दिया गया है। हाँ जी, कहानी शुरू होती है यहाँ से, ट्विस्ट एंड टर्न की कहानी शुरू हो जाती है। आपको पता ही है मुझे ऑप्शन देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑप्शन से फिर क्या होता है ना, व्हाट इज़ योर नेम, ऑप्शन प्लीज, तो ये वाला फील नहीं चाहिए मुझे। चलो फटाफट से सवाल देखते जाओ और आंसर करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, अंडर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स न्यू मिडिल ईस्ट प्लान विच सिटी विल रिमेन एज द इज़राइल्स अनडिवाइडेड कैपिटल। सवाल में पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी हाल ही में एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया था, इस पीस अकॉर्ड के हिसाब से इज़राइल और पैलेस्तीन की जो कैपिटल होगी वो रहेगी जेरूसलम। जेरूसलम का एक हिस्सा होगा वो पैलेस्तीन की राजधानी के रूप में जाना जाएगा, और इज़राइल के ही जेरूसलम के जो बाकी पार्ट होगा वो उसकी कैपिटल के रूप में जाना जाएगा। अगला, संप्रीति एक्सरसाइज जिसका यहाँ पे 9th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से कंट्री के साथ होती है, तो दिस इज विद बांग्लादेश। कहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगी, तो ऑब्वियसली बात है विशाखापट्टनम विल बी द राइट आंसर। अब इसके अलावा देखो कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हिंदी में ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड 2019 का दर्जा दिया गया है, तो ये वर्ड हो जाएगा संविधान। आप संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ना बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी लॉन्चेस द ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन वेनिला, यार वेनिला, तो यहाँ पे ज़रा बताना कि ये जो ऑपरेशन वेनिला है ये कौन सी कंट्री के लिए किया गया था, तो मेडागास्कर के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इंडियन ओशन हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज़ मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ ऑन द टॉप इन द ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2019। कंट्री नहीं, सॉरी सिटी, कौन सी सिटी है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट्स बेंगलुरु। कितनी बार तो आपको ये चीज़ हम बता चुके हैं, टॉप 10 में 4 इंडिया की आ जाती हैं, जिसमें से नंबर 1 इज़ बेंगलुरु एंड नंबर 4 जो है दैट इज़ मुंबई। नेक्स्ट, हाँ जी आगे चलते हैं, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड शिव भोजन स्कीम। तो देखो शिवसेना कहाँ के, महाराष्ट्र के, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बनेगा, महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। हरियाणा के अंदर भी इसी तरीके की अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक कैंटीन की शुरुआत करी गई है, अटल कैंटीन, कहाँ, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है गुजरात के अंदर। गुजरात से देखो पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले कहाँ है, गुजरात आए, उसके बाद आगरा गए, उसके बाद दिल्ली में गए। दिल्ली के अंदर अपाचे और रोमियो हेलीकॉप्टर जो हैं इसके लिए यहाँ पे जो ट्रेड है वो यहाँ पे फाइनलाइज हो गया कि डिफेंस के सेक्टर में इतनी चीज़ें इंडिया खरीदने वाला है। इसके अलावा अहमदाबाद में ही मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल, कोब ब्रांड ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और ये बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखो, आप भी सोच रहे होंगे मैम कितना स्पीडली पढ़ा रही हैं, यार देखो रिवीजन है, रिवीजन में तो स्पीड चाहिए ही होती है ना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कई बार आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट बैक द फर्स्ट पोजिशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसको लागू करने के लिए सबसे पहला राज्य कौन सा, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट तरीके से यहाँ पे कौन सा स्टेट ने इसको लागू किया है, दैट इज़ MP। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने स्टेट कैलेमिटी डिक्लेयर करी थी कोविड की वजह से। मैंने अभी आपको सेंट फ्रांसिस को बता ही दिया है, तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे केरला। ऑल्दो बाद में हटा भी दिया गया था, लेकिन हाँ उस टाइम पे इसको डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट देखो, 21st एडिशन ऑफ IIFA, ये भी भाई फिल्म के बारे में बात हो रही है, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये भोपाल और इंदौर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिल्म फेयर अगर पूछा जाएगा तो भाई ये गुवाहाटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। गली बॉय को टोटल 13 अवार्ड मिले, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास जी को, जो कि गवर्नर हैं किसके, RBI के।
अगला है यहाँ पे सवाल, कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है जिसको घड़ियाल स्टेट के रूप में जाना जाएगा अब? तो पहले तो ये जान लो कि ये जो एलिगेटर्स हैं ये कौन सी रिवर में मिलेंगे, दैट इज चंबल रिवर। स्टेट कौन सी रहेगी? स्टेट विल बी MP। अगला सवाल, 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, देखो सी फूड शो जब भी आएगा, अब देखो इसके अलावा आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये कहाँ पे होगा? दैट इज इन कोची केरला के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ भाई सवाल ये वाला तो तुम लोग बता दो यार, विवाद से विश्वास, ये जो बिल है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आंसर कर देना इसको प्लीज। ये निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि टैक्स पेमेंट के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा वो इसमें देखा जाएगा। इसके अलावा 4th ईस्ट एशिया समिट ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स कौन से देश के द्वारा इसको लागू किया गया है? तो भूटान के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आप यहाँ भूटान घूमने के लिए आते हैं तो हर दिन के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट विल बी 1200 रुपीज। आगे देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, RBI के द्वारा भी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बोला गया है कि 1 रुपये का जो नोट है वो जारी होने वाला है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो फाइनेंस सेक्रेटरी इसके ऊपर साइन करते हैं, देवाशीष पांडा जी, जिनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है उनके साइन इसके ऊपर होंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर उपराज्यपाल के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन आउटरीच कैंपेन की शुरुआत करी गई है? तो पहले तो चीज़ ये ध्यान रखो कि भाई ये जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, गिरीश मुर्मू जी यहाँ पर एज अ लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल है, और अगर लद्दाख पूछे जाएंगे तो आर के माथुर जी हो जाएंगे। इसके अलावा श्रीनगर के अंदर सबसे पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, कोरोना वायरस का नया नाम क्या है जो कि WHO के द्वारा दिया गया है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे COVID-19। अच्छा देखो लद्दाख के पार्ट पे मैंने सारी चीज़ें वैसे बता दी हैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार से बता देते हैं कि जो आइस वाले मैचेस हैं वो यहाँ पे हुए थे, और खेलो इंडिया जो विंटर वाला है वो भी यहीं लद्दाख के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, 5th एडिशन ऑफ गुल फूड लॉन्च ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो भाई ये लॉन्च कहाँ हुआ है? दिस इज इन दुबई, दैट इज UAE। कैपिटल विल बी अबू धाबी, करेंसी विल बी दिरहम, याद रख लेना। स्पेशली दुबई के अंदर पहला कैमल हॉस्पिटल, ये एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस जो आसार हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, सवाल में बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जहाँ पे 6 करोड़ रुपये एज अ प्राइज मनी दिया जाएगा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स को? अच्छा ओके, आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी हरियाणा के अंदर ये जो अमाउंट है ये दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो थिंक आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? तो इसको डेवलप किया जाएगा लोथल के अंदर, कौन सी कंट्री के सहयोग से? तो पुर्तगाल यहाँ पे सहयोग करेगा इंडिया का, तब इसको डेवलप किया जाएगा। अजय वॉरियर नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और साथ में UK के बीच में ऑर्गेनाइज करी जाती है, अभी हाल ही में इंग्लैंड के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा इंद्रधनुष का जो 5th एडिशन है वो UP के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वो भी इंडिया और UK के बीच में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज अ परमानेंट बैन ऑन हुक्का बार, जो हुक्का बार्स होते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बना है? दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पे आ जाओ यार, एक सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ ज़्यादा ही सवाल हो गया, आई थिंक ये लास्ट वाली ही होगा। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड यहाँ पे अगन हुम्बा नाम का जो प्रोग्राम है ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया है मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है? तो मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर है, और इससे पहले जो लार्जेस्ट था दैट वॉज मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, द स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, अभी हाल ही में बोला गया है कि हर स्कूल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर हेल्थ और वेलनेस एम्बेसडर अपॉइंट किया जाएगा टीचर्स को, और ये बोला गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। ये मंत्रालय किसके पास है? यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी के पास है, कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी हरिद्वार, उत्तराखंड बनेगी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया है RAND-2 नाम की क्रूज मिसाइल को? आंसर पाकिस्तान, लोकस्ट की वजह से भी इफेक्ट कौन सी कंट्री है? दैट इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा
अंडर 17 विमेन फुटबॉल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2020 का, तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत के अंदर। और अगर फीफा 2022 पूछा जाएगा तो ये दोहा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया के नेवल चीफ कौन है जो हाल ही में म्यांमार की यात्रा पे गए हुए हैं, ऑल्दो म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है वो भारत की यात्रा पे आए हुए थे। करमवीर सिंह जी रहेगा इनका नाम, जो हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हुए थे। अब देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 तारीख, कैंसर डे 4 तारीख को, इसके बाद 6 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस। फेब के जितने भी डे हैं वो मैंने एक जगह पे आपके लिए लाइंड अप कर दिए हैं ताकि आप इजीली इसको यहाँ पे पढ़ पाओ। रेडियो डे भी याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा जो आपको याद रखना है, दैट इज़ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लास्ट में कुछ ये नाम है जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनके ऊपर भी सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये फेब के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना क्योंकि विमेन वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं इतनी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से आपको ध्यान रखने हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो जीडीपी की बात आई है 6 से 6.5, इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था, वेल्थ क्रिएशन। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो फोकस करने के बाद, कौन सा ऐसा है जिसने 2019 में अपने कुछ साल पूरे किए हुए हैं, तो भाई गोल्डन जुबली मनाई है किसने, नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक। तो इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी जो कि फेब के करंट अफेयर से था, पूरा कंपाइलेशन मैंने आपके लिए ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि SBI का जो बैच है, SBI, RBI और LIC मेंस का ये जो बैच है ये लाइंड अप किया जा चुका है, जो ऑलरेडी 28 फरवरी से शुरू हो चुका है। आप मेरे साथ अनअकैडमी पे इस बैच के लिए कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे पूरा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। आपके सामने ये लिंक है जिसमें आपको सिर्फ मेरी क्लास नहीं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के भी बैचेस मिलेंगे। कोड जो यूज़ करना है, दैट कोड विल बी वाईफाई चैम्प। इस कोड को याद रखना है, ये आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ इस बैच में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा रेलवे में NTPC का जो बैच है अनअकैडमी पे ही, उसमें भी हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके साथ भी कनेक्ट होना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये है पूरा प्रोसेस जिसको फॉलो करते हुए आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं पूरा फेब जो है वो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा और आपने भी रिवाइज कर लिया होगा। तो अब आपसे मिलते हैं 13th को सुबह, लेकिन 12 तारीख के लिए भी आपके लिए एक पूरा लेक्चर जो है वो सरप्राइज लेक्चर शेड्यूल्ड है। तो मिलते हैं सुबह 13 तारीख को लाइव क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।